दोस्तों पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड या फिर मोबाइल में स्टोरेज होता है उसके बारे में आपने कई बार देखा होगा कि कंपनी जितना स्टोरेज बोल कर देती है उतना उसमें मिलता नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम इंसान ज्योति, आप देख रहे हैं इंसान भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आपको पेन ड्राइव लेते हैं, मान लो अगर आपके पास 32 GB का पेन ड्राइव है या फिर 16 GB का पेन ड्राइव है, तो उस 16 GB पेन ड्राइव आपको मिलती है सिर्फ 14 GB, 14.8 या 14.9 GB की लगभग स्टोरेज। और जो 32 GB पेन ड्राइव है उसमें भी इसी प्रकार से आपको कम स्टोरेज देखने को मिलती है। अगर आपके पास 1 TB की हार्ड डिस्क है तो उसमें आपको मिलेगी 930 GB स्टोरेज। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आपके पास एक हार्ड डिस्क है तो आप उसमें देखते हैं कि जब भी आप उसे कंप्यूटर में लगाते हैं तो आप उसके अंदर विंडोज इंस्टॉल करते हैं। अगर विंडोज इंस्टॉल नहीं है यानी कि उसे अलग ड्राइव के लिए कमी ले रहे हैं, तब भी उसके अंदर उतना ही स्टोरेज होता है, क्योंकि जिसको इस 1 TB की हार्ड डिस्क को मैनेज करने के लिए उसके अंदर कई प्रोग्राम इंस्टॉल किए जाते हैं। वे प्रोग्राम इतने डेटा को कवर करते हैं, यानी 1 TB हार्ड डिस्क उसके अंदर आपको सिर्फ 930 GB ही स्टोरेज मिलता है, क्योंकि उसके अंदर 1 TB हार्ड डिस्क को मैनेज करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। उसकी जो हार्ड डिस्क में आप जो डेटा डालते हैं उस डेटा को मैनेज, उसके नाम को साथ ही साथ आपने उसे कहाँ स्टोर किया है, उसके अंदर किस फोल्डर में स्टोर किया है, इन सारे डेटा को मैनेज करने के लिए उसके अंदर इतना स्टोरेज, जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं जो हिडन होते हैं, आप उसे किसी टूल के जरिए नहीं देख सकते। मगर कई टूल्स और भी आते हैं जिनके जरिए आप उन्हें अपग्रेड कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ये इनसे आप इन्हें बदल भी सकते हैं, यानी कि अगर आपकी हार्ड डिस्क स्लो है तो आप उन सॉफ्टवेयर को बदल कर उस हार्ड डिस्क की स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसकी जो कई कंपनी होती है उनकी स्पीड में जो सॉफ्टवेयर होते हैं हार्ड डिस्क उन्हें बग आ जाता है, यानी कि उन्हें वायरस आता है जिससे वे स्लो हो जाती है। मगर आप अगर उन्हें किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से उन मैनेज करते हैं सॉफ्टवेयर को, तो आप उन्हें ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। ये इसी कारण है कि उसके अंदर जो आपकी हार्ड डिस्क में आपने जो डेटा डाला है उसे मैनेज करने के लिए उसके अंदर कई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं, उन्हीं के कारण वो हार्ड डिस्क भर जाती है। वैसे कंपनी उन्हें पूरा उतनी ही 1 GB का बना कर देती है जितना आपने कंपनी से लिया है। इसी कारण ये हार्ड डिस्क इतनी छोटी होती है, क्योंकि उसके अंदर कई सारे प्रोग्राम्स पहले से प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसके अंदर आप देखेंगे आपका जो एंड्रॉयड है वो भी उसी के अंदर इंस्टॉल है, साथ ही साथ उसके अंदर कई सारे प्रोग्राम भी इंस्टॉल करके दिए जाते हैं। इसी कारण उसकी हार्ड डिस्क आपको इतनी कम देखने को मिलती है। जो उम्मीद आपको पता चल चुका होगा कि जो हार्ड डिस्क में इतनी 1 TB की हार्ड डिस्क में ये 930 GB ही स्टोरेज क्यों आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।